हेलो गाइज, तो वापस से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो गाइज, अगर आपका भी इंटरेस्ट है गेमिंग में और गेमिंग से रिलेटेड टेक्स में, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो गाइज, आज हम लोग बात करेंगे कि हम अपने पुराने से पुराने बिना ग्राफिक्स कार्ड वाले लैपटॉप या डेस्कटॉप में स्क्रीन को कैसे रिकॉर्ड करें, और हाँ, आप इसमें अपनी गेम्स को 60 FPS विदाउट एनी लैग्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हम में से बहुत लोग ये जानते होंगे कि बहुत से पेड और फ्री सॉफ्टवेयर हैं स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन उनमें प्रॉब्लम क्या है, उनको चलाने के लिए आपको तगड़ा हार्डवेयर चाहिए, मीन्स आपको CPU और GPU ये दोनों उनको प्रोवाइड करने होंगे, जिससे वो विदाउट लैग आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करवा सकें। तो जो मैं बताने वाला हूँ, इसमें आपको कोई भी हार्डवेयर की नीड नहीं होगी, आप ये डुअल कोर CPU उस पर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, बहुत ही इजी प्रोसेस है। तो स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइज, अगर चैनल पर नए हो या तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, हमें सबसे पहले चाहिए होगा गूगल क्रोम। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप डाउनलोड करिए। तो अब हमें क्या करना है, हमें गूगल क्रोम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमें जाना है गूगल क्रोम के ऐप्स में। ऐप्स में जाने के बाद हमें ओपन करना है वेब स्टोर। अब हमें यहाँ सर्च करना है रिमोट डेस्कटॉप। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, ये है रिमोट डेस्कटॉप, हमें यही वाला इंस्टॉल करना है। अब हम इसे करते हैं ऐड टू क्रोम। अब हमें देखिए यहाँ पे ये पूछ रहा है ऐड टू एक्सटेंशन, तो हम इसे एक्सटेंशन ऐड कर लेते हैं। हमें यहाँ के सारे प्रोसेस करने के बाद हमें जस्ट इसे सिंपली ओपन कर लेना है। तो ओपन करते हैं इसे। ओपन होने के बाद अब आपका देखिए यहाँ पे ऑनलाइन शो हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है, हमें हम चाहें तो इसके नाम को और पिन सेट कर सकते हैं। ये रहा एडिट, यहाँ से आप जो भी चाहें नाम और पिन सेट कर सकते हैं। तो सेट करते हैं। यहाँ पर ऑल सेट करने के बाद चलते हैं अपने फ़ोन की तरफ। हमें फ़ोन में क्या करना है, हमें ओपन करना है गूगल प्ले स्टोर। वहाँ पे भी हमें सर्च करना है क्रोम रिमोट डेस्कटॉप। तो जैसा कि आपको डिस्प्ले में दिख रहा है, हमें ये वाला ही क्रोम रिमोट डेस्कटॉप डाउनलोड करना है या इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करते हैं इसे। इंस्टॉल होने के बाद हमें जस्ट इसे सिंपली ओपन कर देना है। ओपन होने के बाद यहाँ पे देखिए हमें सेम वही एग्जैक्ट वही नेम शो हो रहा है जो हमारे डेस्कटॉप में नेम है, या हमने जो वहाँ पे सेट कर रखा है वही यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है, इसे जस्ट क्लिक करना है। अब ये हमसे यहाँ पर पिन मांग रहा है, तो हम यहाँ पर वही पिन एंटर करेंगे जो हमने वहाँ पर सेट कर रखा था। तो पिन एंटर करते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि मेरी स्क्रीन मेरे फ़ोन पर आ गई है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली जस्ट अपने फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन कर लेना है। ओके, तो हमारे जो फ़ोन का रिकॉर्डर होता है वो हमारे फ़ोन की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहा है, ना कि हमारे डेस्कटॉप का। तो ये इजीली हमें 60 FPS पे, या जो भी आप सेट कर दें 60, 90, 30, जैसा जिसके फ़ोन की कैपेसिटी हो, तो वो उस FPS पे रिकॉर्ड करेगा आपके स्क्रीन को। आप कोई भी वर्क करें, आपका हार्डवेयर नहीं यूज़ होगा। अब मैं यहाँ पे आपको गेम रन करके दिखाता हूँ कि मैं गेम्स को कैसे रिकॉर्ड करता हूँ। तो आप यहाँ पर देखिए। हाँ गाइस, तो ये सिंपली वही रिमोट लॉगिन का ही प्रोसेस है, पर आप इस रिमोट लॉगिन के बाद आप इसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हैं ईजिली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई लैग नहीं होगा। हाँ, आपके ये नेटवर्क पे डिपेंड हो सकता है, अगर आपका नेटवर्क वीक है या आपका नेटवर्क फ्लक्चुएट हो रहा है तो प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी बहुत लैग इशू देखने को मिल सकती है। अदरवाइज़ आपका अगर नेटवर्क सही है तो आपको कोई इशू नहीं आएगी। सो एन्जॉय द वीडियो। और हाँ गाइज, मेन बात, आपको सेम ही आईडी से गूगल आईडी को क्रोम और अपने मोबाइल को लॉगिन कर रखना होगा, तभी ये लिंक हो पाएगा, अदरवाइज़ आपका ये लिंक नहीं होगा। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दबा दो, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।